कौन कौन से इससे पहले मोबाइल चालू किए? मैंने क्या किया? कार्बन टाइटेनियम S2 प्लस। उसमें क्या हुआ था? उसमें सर सॉफ्टवेयर करने पर भी कंडीशन पहले जैसी थी। तुमने यहाँ पर कितने मोबाइल मोबाइल चालू किया तुमने यहाँ पर? सर मैंने Redmi 2 कल किया था, सीपीयू निकाल कर रिबॉन्डर के द्वारा लगाया था, और आज मैंने एक Redmi 2 जिसमें टीएमसी की प्रॉब्लम थी। दूसरा कोई मोबाइल? दूसरा मोबाइल सर, तो उसका टीएमसी निकाल। ये मोबाइल आप अपना लेके आए थे या कहाँ, किसका था? कितनी पे? सर का था, सर का दिया था। अच्छा, अभी मैं आई सी पे नाम लगा रहा हूँ और इसे दोबारा से जीटेक से करने जा रहा। जीटेक से करने जा रहा हूँ। सेट है ना सर, ये इसका इंटरला था इस बोर्ड में, इसमें भी सर ये तो मॉडल है की प्रॉब्लम थी। ओके। ये सॉफ्टवेयर हैंग ऑन लोगों की कंडीशन में था। ईएम से निकाल डाउनलोड मोड पे जा रहा था, ये डाउनलोड मोड जा रहा था और ये फ्लैश नहीं हो रहा था। ओके। उसके बाद में सर एक ये लावा का सेट खोला था, ये हैंग ऑन लोगो है, इसको सर हमने एम से निकाला था, इसका इसका प्रोग्रामिंग करके एम से लगाना है। ओके। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है। ताली हो जाए। क्या बात है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं एक वीडियो में जिसको बिल्कुल एडिट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने एक सेकेंड भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवर्ष अग्रवाल, आज मैं हूँ अपनी ईएमसी क्लास में और ये हमारा ईएमसी का सबसे पहला वीडियो। मेरे साथ में है मेरे स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? राजू। राजू आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर राजस्थान। तो आपको कितने साल का अनुभव है? कम से कम सर 15 साल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ में काफी एक उम्र टेक्नीशियन है 15 साल से। अच्छा, आपने ईएमसी में कितनी क्लास अटेंड की अभी तक? ईएमसी में सर मैंने 14 क्लास है। तो अभी आपको जो नॉलेज आप लेने आया था जो प्रॉपर तरीके से और जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हुए? मोबाइल फोन यहाँ पे आपने बंद मोबाइल फोन मैंने डेड टू रिपेयर चालू किए कि नहीं किए? चालू किया सर, सीपीयू बनाया है, सीपीयू रिकॉल करके लगाया उन्होंने, फ्लैश रैम आईसी भी बना के लगाई है और जेटेक की सप्लाईयां जो है इंटरफेस ASP पिन आउट वगैरह बिल्कुल क्लियर है आपका? क्लियर लगाए सर। तो यहाँ पर ये मेरे सारे स्टूडेंट है और आज आप क्या बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली? सर एक 4i मॉडल है, ये मतलब फ्लैश पे आप में जैसे रुक जा रहा है मतलब इसमें फ्लैशिंग एरर है, वो नहीं रहा फ्लैशिंग, वो नहीं रहा। तो इसमें हम ये दिखा देंगे एक बार, तो ये एरर किस तरीके से निकालेंगे, मतलब ये ईएमसी का फॉल्ट है? ईएमसी का फॉल्ट। यही प्रॉब्लम जो अभी आते थे और जो जनरली हम कई बार टेक्नीशियन फ्लैश करते रह जाते थे, टूल बदलते हैं और फिर फ्लैश नहीं होता है, फिर ये हम कर नहीं पाते हैं। सो यही एक आखिरी लेवल है कि अब हमें ईएमसी लेवल पे आना है। सो अभी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कि अब मैं हर तरह के मोबाइल बना सकता हूँ? चलिए ठीक है, अब इसको दिखाइए। सो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट का प्रैक्टिकली वीडियो है, जो उन्होंने यहाँ पर सीखा है वो सारी चीजें स्टूडेंट से प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है यहाँ पर। आई होप की वीडियो आपको समझ में आया हो और जो देख रहे हैं यहाँ पर। सो अगर आपको ईएमसी की क्लास अटेंड करनी है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, सो ये है MI का सेट। सो हम इसको फ्लैशिंग मोड पे करेंगे, इसमें ईडियल मोड लेके आएंगे हम यहाँ पर। सो देखिए हम यहाँ पे ईडियल मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं फोन को, ले रहे उल्टा 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 ले। नहीं नहीं अभी घुसा ही नहीं है ना, ये डायरेक्ट ईडियल पे जा रहा है क्या? नहीं सर, ये फोन बता रहा है। सो यहाँ पर हमने फोन को कनेक्ट कर लिया है और फोन को कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारा ईडियल मोड दिखा रहा है यहाँ पर, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फोन को ईडियल मोड पे 9000 पे कनेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम इसको फ्लैश करेंगे। तो हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं फ्लैशिंग के लिए? इसके लिए सर UMT डोंगल, नॉर्मल जो UMT डोंगल है जो नॉर्मल टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों हम कोई JTAG या UFI यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम नॉर्मल फ्लैशिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि फॉल्ट क्या है। कौन सा फॉल्ट की वाला?
सो हम यहाँ पे इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, नहीं है तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सो देखिए रॉ प्रोग्राम की फाइल है, आप देख लेते हैं किस इमेज में डली हुई है। इसी का है ये? हाँ इसी का है। चलिए ले लीजिए। सो देखिए हमारे पास ये आ चुका है फोन हमारा ऑलरेडी ईमेल पे, तो हम फ्लैश में टिक करेंगे। यहाँ पर रॉ प्रोग्राम लेने के बाद पैच ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो लूटर, ये बेसिकली हम फोर्स फ्लैशिंग के टाइम पे यूज करते हैं जब हमारा फोन आधे पे लोगो पे हैंग हो अटक रहा हो। पर यहाँ पर ये फोन टोटली डेड है, फ्लैश भी नहीं हो रहा है। सो ये फॉल्ट ईएमसी का फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पे चेक टाइप अभी डेटेड हो रही है। तो देखिए यहाँ पर फील्ड आया जैसे आपको देख रहे होंगे, और ये फील्ड आके फिनिश हो चुका है। सो यही एरर आ रहा है जनरली। और ये एरर हमने मिरिकल में भी चेक किया, मतलब कोई नॉर्मल टूल इसको फ्लैश नहीं कर पा रहा है। इवन एमआई का फ्लैश टूल यूज करते तो उसमें भी एरर आ रहा है। सो ये क्या फॉल्ट है? ये ईएमसी का, ये आपने डिलीट किया इसको? तो ये डिलीट कैसे किया जाता है ये भी आपको नॉलेज मिला? चलिए ठीक है, आगे प्रोसीजर बताइए क्या करना चाहेंगे। अब आप इसकी ईएमसी को निकालेंगे। अच्छा इस फोन में आप आईपीएस पिन आउट यूज नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसमें सर एएसपी पिन आउट ट्रेस करना, ट्रेस करना इसका मार्केट में सर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन ईएमसी निकाल के और लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ईएमसी के लिए सर ये सीपीयू का कवर कर रहे हैं सर, ताकि हीट ना पड़े, सीपीयू खराब नहीं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम ठीक है सर, बिल्कुल। और उसके बाद में सर लाइट सेक्शन में भी है कुछ, लाइट सेक्शन वगैरह ये भी है सर, इनको भी कवर करेंगे। ओके, दोस्तों ये हमारे मिलन सर। सो मिलन आप ये बताइए कि स्टूडेंट का कैसे रहे, स्टूडेंट के साथ आपका? ये सारे स्टूडेंट है जो बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, तो इनको इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगी, चार दिन में जितनी सीख गए इन लोगों ने तो मेरे ख्याल से बहुत सीख गई। मतलब अभी कोई सा भी मोबाइल का डैशबोर्ड बना सकते हैं, कोई सा भी सीक्यू दे दो रिकॉल कर सकते हैं, फिर भी लगा भी सकते हैं। अभी सर उसमें रोम खराब हो गया था, करप्ट हो गया था, तो उसका ईएमसी निकाला हमने जीटेक के इंटरफेस से, उसको फ्लैश किया और दोबारा से उसमें पीसी में इंस्टॉल किया। तो ये सब कुछ आपने खुद ही किया सर? बिल्कुल, मैंने सर ने तो नहीं किया, सर ने बस पहले ही दिन बताया था और उसके बाद सब कुछ खुद किया। चलो ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों अब तक आपने देखे होंगे हमारे ईएमसी के वीडियो जिसमें हमारे मिलन सर ने सारे काम किए हैं। आज ये हमारा पहला ऑफिशियल वीडियो आप यूट्यूब हमारे ऑफिशियल चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट जो खुद प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं, जिनको लगभग चार दिन यहाँ हो चुके हैं, और उनके बाद उनको इतना ट्रेनिंग की दिया हमने, और उसके बाद अब यहाँ पे खुद प्रैक्टिकल करके इनको बॉक्स के साथ में इंटरफेस लगा के इसको प्रोग्रामिंग करके इसको यहाँ पे चालू करके दिखाएंगे। तो देखिए आईसी सक्सेसफुल निकल गए। कोई पैड और कोई टिप्स तो नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब कोई पैड बॉल तो नहीं हो निकला? नहीं सर, दिखा देते हैं एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पे दिखा दीजिए बिल्कुल। तो देखिए ये हमारे
देखिए तो ये हमारी बॉल है, तो कोई भी बॉल यहाँ पे निकली नहीं है। बोर्ड का दिखा दीजिए, बोर्ड का दिखा दो वहीं पे बोर्ड लगा के। अभी इसी यूएमसी को आप किससे कनेक्ट करोगे? इसको जेटर से कनेक्ट करोगे कि किससे कनेक्ट करोगे? यूएफआई के किससे बताएंगे आप? तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे कि इसको थोड़ा क्लिक कर लीजिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक प्रॉपर नॉलेज आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास में मोबाइल फोन फ्लैशिंग में डेड हो जा रहा है, बहुत सारी चीज है दोस्तों। अगर ईएमसी पे काम सीखते हैं तो डेड बूट रिकवरी या फिर हम डाटा निकालना, तो बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं निकाल पाते हैं। हाफ शॉटिंग, क्योंकि लीकेज, हम जनरली डर जाते हैं सीपीयू को निकालने में, सो सीपीयू रिवॉल्व करना, सो नॉर्मल छोटी छोटी पावर ऐसी निकालना, रिवॉल्व करना, लोगों को डर लगता है, ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना लगाना, ये बहुत इजीली हो नहीं पाता है टेक्नीशियनों से। सो अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, नॉलेज लेना है, तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। देखिए एक भी पैड नहीं निकला है, बहुत प्यारी है इसी इन्होंने निकाली है यहाँ पर। और इसी मोबाइल पर भी हम फ्लैश कर रहे थे तो एरर आ रहा था, तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये वापस इस आईसी को प्रोग्राम करके इसको रिबॉलिंग करके लगाएंगे। ये आईसी खराब है इसका। अच्छा ये आईसी खराब है। ओके, ये डिटेक्ट किया था। हाँ अभी ये आईसी सर हम इसमें लगाएंगे। चलिए ठीक है, मतलब ये आईसी हमने चेंज किया है, तो आईसी की प्रॉपर नॉलेज बिना आईसी लगा के दिखा दीजिए डिटेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ वो भी दिखा दो, और मैं जो आपने प्रोग्रामिंग की है वो भी दिखा दीजिए क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जैसे मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिना आईसी निकाले हम आईसी को पहचान सकते हैं कि कौन सी ईएमसी आईसी लगी हुई है? बिना आईसी को निकालने पहचान सकते हैं कि इसके कौन सी आईसी लगी है, तो ये कितने जीबी की आईसी है? ठीक है, तो हम अभी कौन सी एसी लगा रहे हैं इसमें? वही जो एरर वाली एसी है। एरर वाली एसी। चलिए पीछे कौन सा एसी है? ये सर 221 है। 221 है। ठीक है। इसका ही नेक्स्ट का। तो ये हमारी आईसी डिटेक्ट कर रही है। हाँ। ये देखिए। तो ये क्या प्रॉब्लम दिखा रही है? पार्टीशन सर इसका करप हो गया। और फर्मवेयर वर्जन भी? फर्मवेयर वर्जन भी। हेल्थ रिपोर्ट क्या है? हेल्थ रिपोर्ट सर वेरी बैड। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सर अब चेंज करेंगे सर। तो हमने जो चेंज की इसमें जो प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, वो तो ये बताएंगे हम, वो यहाँ आके सीखना पड़ेगा। तो हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो लगा के दिखाई है कि कैसे डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी इस आईसी में प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम कर चुका हूं। आपको किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है पूरा यहाँ पे? ये आप ही ने खुद ही नहीं किया है? हाँ, सर ने तो नहीं किया। नहीं, चलिए ठीक है। तो दोस्तों हमारी नई क्लास 3 मार्च की क्लास है, आप हमारी 3 मार्च की क्लास अटेंड कर सकते हैं। डिटेक्ट कीजिए हमारी ऑलरेडी 3 मार्च की क्लास में, हालांकि सीट आधी हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं पूरा इंफॉर्मेशन है, पार्टीशन और एक्समोल क्या क्या बता रहे, बताइए जरा डिटेल बताओ क्या क्या बता रहे इसको। ये कितने जीबी का ईएमएमसी है और पार्टीशन और बिल्कुल बताइए पूरा डिटेलिंग कर, और कौन सा ब्रांड का ईएमएमसी है पूरा बताइए।
ये सर 16 इसमें सैमसंग का EMMC लगा है, नया चेंज किया है, और 16 GB का EMMC है और इंटेल मेमोरी है उसकी 16 GB। तो नीचे जो आ रही थी और बॉडी फोन का बूट 4 GB का बूट 4 GB का। ठीक है चलिए आगे चलिए। तो अब क्या करेंगे हम? अब सर इसको प्रोग्रामिंग कर दिया है, अब जाके हम वापस इसे वापस जाके हमें बूट में। ठीक है कौन सा वाला सेट किया था आप? सर वो Redmi 2 है, इसको मैं चेक कर रहा था, बैटरी चार्ज के बाद लिए मैंने मशीन के लिए चेक किया, ओके ऑन हो गया, टच बिल्कुल पानी ही वर्क कर रहा है। ओके अच्छा तो सर पहले रिकॉल करेंगे, हाँ उसके बाद सर सेट में लगाएंगे। ओके एक हैंग ऑन रोबो ठीक किया है ये मैंने बताया, भी पूछा है इनसे कि यहाँ पर है, कैसा लगा है यहाँ पर आपको आके, और आपने जो सोचा था कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर वो मैं सोच रहा था कि जो काम मैं 10 दिन में सीख पाऊंगा वो मैं 4 दिन में अपने आपको कंप्लीट समझ रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आके मुझे सबसे बेस्ट मिला है। मिला है यहाँ पर? बिल्कुल सर। दिल से कह रहे हैं आप? बिल्कुल दिल से सर। चलिए ठीक है। कितने घंटे की क्लासेस होती है यहाँ? सर वो तो आपके लिए थैंक्स है क्योंकि आप कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग 9 बजे आते हैं, तब तक काम खत्म होगा तब तक मैंने क्या सोच के आए थे यहाँ पर कि कैसे पढ़ाएंगे सर, कैसे होंगे, पढ़ाएंगे सर, के दिन में बहुत एक्सपीरियंस मिल गया। और बाकी आपके साथ ही जो क्लास में लग रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले, क्योंकि आज ही उनका बैच कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे भी आपके साथ रहते हैं, उनका क्या रिव्यू है आपके साथ में? सर सब अच्छा सीख रहे हैं, नॉलेज लेके गए। वो आईफोन का हो गया, चलो उसको पैक कर दे। ये मास्टर बनाती है, लगना उसमें तो हो ही जाता है, ये मास्टर बनाएगी क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें ये डायमेंशन दिए हुए हैं, समझ रहे हो? किया इससे स्टेंसिल से, ये स्टेंसिल बहुत बढ़िया है, ये बेटर लगी। कौन सी स्टेंसिल आपको लगेगा? GSM सोर्स की स्टेंसिल GSM सोर्स बेस्ट है, बेस्ट है सर। क्यों मैं भी पहले पावर काम कर रहा था, मैं पावर का नहीं लगा रहा है, बेस्ट वर्क कर रहा है, बाकी का सारा क्या मेरा हो जाता तुरंत ही हीट पड़ती है। अच्छा नहीं ये काटना पड़ेगा, बावाई वाली लगा रहे वो आता है उससे होता है, कहना होता है वो बिल्कुल मैं काम करना, थोड़ी देर बाद दिमाग दर्द करने लगेगा, ध्यान रखना बेकार है वो, घड़ी वड़ी वालों के लिए होता है ना, एक आंख वाला आपको आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, वो कभी यूज नहीं करना है। इवन पता है माइक्रोस्कोप में बता रहा हूँ, अभी माइक्रोस्कोप में हुआ था कि माओ वाले ने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या बातचीत चल रही थी कि एक टेक्नीशियन नेपाल का आके बात कर रहा था कि सर माइक्रोस्कोप में वो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद काम करने के बाद आपको दिमाग में दर्द महसूस होता है, यही चीज अभी इसमें काम करने पर वो दिमाग में डर महसूस नहीं हो रहा है, दो चीज विद्या है और एक चीज, और एक सेम टाइम दोनों चीज देख रहे हैं। ये LCD आप सामने लगा सकते हो जिसमें आप काम कर सकते हो,
सो ये भी एक मेन है कि आपने किस एलसीडी के साथ में क्या हो रहा है, तो बहुत देर तक काम करोगे तो पता चला दिमाग हैंग हो गया। हाँ ये सर रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों ईएमसी का पहला प्रैक्टिकल स्टूडेंट के साथ, जो कि इसे टेलीकॉम हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ में ही वीडियो बनाते हैं। और मेरी कोशिश यही रही है कि हम अपने स्टूडेंट को बेस्ट दें, क्योंकि जो हम उनको बोले हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ आना है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको मिलेंगे राजेश सर, आप उनसे बात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ईएमसी भी निकला है, सीपीयू पावर आईसी ये हमारे स्टूडेंट ने निकाला हुआ है। ये कितने निकाला है? ईएमसी सीपीयू पावर आईसी आपने निकाला है? चलो बढ़िया। आप जैसे कि देख रहे हैं एक, अच्छा ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाल दीजिए। देखो चेहरा तो ठीक दिख रहा है ना? रात में देखो ना। हाँ 11-12 बजे तक करीब हमारे उधर हल्ला हो जाएगा। हल्ला हो जाएगा? अच्छा। मेरे जितने भी सर कम से कम 20-25 दुकानदार है, अगर सब्सक्राइबर हैं सर बहुत से, मुझे नहीं लगता मेरे को कोई सब्सक्राइब किया होगा। नहीं सर, सर मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आपको। अच्छा हम भी देख रहे हैं सर काफी टाइम से। मेरे को सर नॉलेज मिला है सर आपसे, बहुत सी चीजें मैं ट्रेसिंग में होता था मुझे, तो जो जो वीडियो देखे भी सीखा। आप अगर वो मेरे चैनल नहीं देखते ना तो आप यहाँ कभी नहीं आते सर। आप बहुत, आप लोग बहुत लॉन्गर मेरे व्यूवर हो, ध्यान रखना। आप लोग को मैंने कॉल करके नहीं बुलाया है, 2014 से देख रहा हूँ है ना। और आप लोग ने यहाँ पर वीडियो में देखा कि कितना यहाँ पे काम हो रहा है, साथ में यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस देखा स्टूडेंट का यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखे परफेक्टली रिबॉलिंग की है यहाँ पर, जैसे कि आप देख। चल ठीक है, तो हम इसको पीसीबी में लगाएंगे। नहीं अभी ये मेन है, अभी ये तो कंटिन्यू करेंगे, तो वो तो खोल ही रहेंगे, उनका क्या है सीख गए। आईसी निकालना दोस्तों एक हो जाता है कि चलो यार सब निकाल लेते हैं, बैठाना और बैठा के चालू करना मेन है। क्यों? आईसी को बैठा के सेट चालू हो जाए। हाँ सर, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट से पता चला आईसी खराब हो गया, प्रिंट निकल जाते हैं आईसी को बैठाने से, ज्यादा हीट देने से पता चला और प्रॉब्लम आ गई, बोर्ड भी फूल जाता है। बोर्ड फूल जाता है, सही कह रहे हो। कितनी हीट देनी है, क्या देनी है, कहाँ देनी है। Thank you.
ये कट को कटा सर, चेक कर दिया जाएगा। तो ये बैठ गई है आपकी, तो बैठ गई सर, कट देखने होते हैं। चीप ऑन से बच्चे सर। ओके ओके, दोनों कट से कट देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैच कर मैच। अच्छा, तो हम थोड़ा उसको वेट करेंगे। कौन कौन से इससे पहले मोबाइल चालू किए? मैंने क्या किया? कार्बन टाइटेनियम S2+। उसमें क्या हुआ था? उसमें सर सॉफ्टवेयर करने पर भी कंडीशन चले जैसी थी। ओके, डाटा वगैरह सब ओके, पैटर्न लॉक नहीं जा रही थी, पैटर्न लॉक नहीं जा रहा था। नहीं नहीं सर, पैटर्न नहीं था। तो पूरा डेटा प्लेस करने के ऊपर भी और भले फॉर्मेट करो डिलीट नहीं हो रहा था। हाँ, डिलीट नहीं हो रहा। ये कंडीशन वेरी गुड, यही कंडीशन से मेरे अभी एक पंजाब वाले स्टूडेंट के साथ आई है, कह रहा है कि सर हार्ड डिस्क सेट कर दो, कुछ भी कर दो, फ्लैशिंग करो, डाटा डिलीट नहीं हो रहा है। सब तुमने उसको EMC से फॉर्मेट किया होगा राइट, है ना? वेरी गुड। यहाँ पर तुमने यहाँ पर कितने मोबाइल, कौन सा मोबाइल चालू किया तुमने यहाँ पर? सर मैंने Redmi 2 कल किया था, CPU निकाल कर रिकॉर्डर के द्वारा लगाया था, और आज मैंने एक Redmi 2 जिसमें EMC की प्रॉब्लम थी। दूसरा कोई मोबाइल? दूसरा, हाँ दूसरा मोबाइल सर, तो उसका EMC निकाल। ये मोबाइल आप अपना लेके आए थे या कहाँ, किसका था? सर कितनी पे? सर का था, सर का दिया था। अच्छा, अभी मैं ISP पे नाम लगा रहा हूँ और इसे दोबारा से GTEC से करने जा रहा हूँ। GTEC से करने जा रहा हूँ। तो हम सैमसंग में भी सर ISP विन आउट से कनेक्ट करके देखा था। अच्छा, सैमसंग का सेट है ना सर, ये इसका इंटरला था इस बोर्ड में, इसमें भी सर ये तो मॉडल है ओके, इसमें की EMC की प्रॉब्लम थी, ये सॉफ्टवेयर हैंग ऑन लोगो की कंडीशन में था। EMC निकाला, डाउनलोड मोड पे जा रहा था, ये डाउनलोड मोड जा रहा था, पढ़िए फ्लैश नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद में सर एक ये लावा का सेट खोला था, ये हैंग ऑन लोगो है, इसको सर हमने EMC निकाला था, इसका इसका प्रोग्रामिंग करके EMC लगाना है। ओके, लावा Z1, लावा चाहिए, लावा Z1 का सेट, ये मतलब इसको फ्लैश करने पे मतलब रुक जाता है बार बार। अच्छा, कोई भी फ्लैश फाइल दो करेंगे सर, फ्लैश कर भी देंगे। SPDCP है? SPDCP होगा ना? नहीं, मुझे बताओ, जैसे आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर ली है तो क्या उसको फ्लैश करना, फिर से फ्लैश करेंगे? फिर से फ्लैश करेंगे। ठीक है, वो सर देखेंगे मतलब प्रोग्रामिंग के बाद चला के, अगर फ्लैश की जरूरत है तो फ्लैश कर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है। ताली हो गई, क्या बात है। ये सब कुछ आप देख रहे हैं एक वीडियो में जिसको बिल्कुल एडिट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने एक सेकेंड भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया। सो इस सेट का LCD ब्रेक है, बट ठीक है, फोन चालू हो गया हमें यहाँ पर, और यहाँ पर सेट में पहले इन्होंने फ्लैशिंग किया, एरर देखा आपने, फिर उन्होंने IC को निकाल के उसको प्रोग्राम किया, सैमसंग का सर न्यू प्रोग्राम किया था, नया चेंज किया, IC को चेंज किया, और उसको भी प्रोग्राम करके फिर इसमें चढ़ाया, और
पहले उसको रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करने के बाद में फिर उन्हें सेट पे लगाया और एक बार में ही सेट चालू हो गया यहाँ पे। यहाँ में भी लग रहा था कि हो सकता है कि एक बार बैठे या दूसरी बार में, तो यहाँ पर बैठे एक बार में सेट चालू हो गया। सो अभी इसको देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ भी बोलेंगे कि एमआई पे अटका हुआ है, देखते हैं नीचे एंड्रॉइड पर चार्ज नहीं है सर। चार्जर भी चार्जर, ये सर एक्चुअली ओरिजिनल इसमें फास्ट बूट मोड का प्रॉब्लम था। ओके जब चालू था राजेश, ये सर एक घड़ी लगा उसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट हमारा चालू हो गया, बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, रिबूट करना पड़ेगा। हाँ इसको रिबूट कर लीजिए। एक घड़ी लगाओ, मैं बोलूँगा एक घड़ी खरीद के लाओ कल, एक घड़ी यहाँ पे लगा, ठीक है। हालांकि क्लास में घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्लास का टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, फिर भी नॉर्मल खुद की टाइमिंग के लिए घड़ी लगा। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग मोड पर है हमारा फोन, और देखिए तो यहाँ पे चार्जिंग मोड दिखा दे रहा है, इसको चालू करो और इसका एम ए दिखा दो, और ये बताओ कि आईने को रिपेयर किया है, क्या किया है इसमें। इसका सर पार्टीशन, पार्टीशन हमने पहले से रेड करके रखा है कि इसकी वजह से इसका आई मीन उड़ेगा। अच्छा पार्टीशन आपने रेड कर लिया था। एमआई के सेट हो गए, लेट बूट होते हैं आराम से, है ना, आराम से होते हैं। हमें मेरे को सर यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था कभी। अच्छा, इसलिए मैंने क्या कि बहुत से सेट सर यहाँ तक आके वो मेरे से बने नहीं है, तो वो लौट गए। लौट गया है सर, नहीं बनवाए हैं सर। अच्छा फिर दूसरे से बनवाए, तो अब वो काम जाने नहीं देंगे, अब तो दूसरों से लेना है, दूसरों से लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड आ चुका है, जो पूरा सही है। सो इसलिए मतलब क्योंकि जो चीज हमें लगता है कमी है, उस चीज को पूरा करने में कोई बुरा नहीं है, नहीं। क्योंकि उसके बाद में कस्टमर को हम, क्योंकि क्या है टेक्नीशियन सीखना नहीं चाहता है ना, और वो क्या करता है कि बाद में कस्टमर के मोबाइल खराब कर देता है, क्यों ये सर। तो अगर सही काम करेंगे तो आप आई मी चेक करवा दो। यहाँ पर देखें दोस्तों आई एम भी दिख रहा है, तो क्योंकि इसकी आई एम की अपने प्रोग्रामिंग पहले कर लेते हैं, उसका पार्टीशन रीड कर दिया था, एनवीडा का रीड किया था, तो उसको आपने राइट कर दिया होगा जो नई वाली फाइल के साथ में, जो नई अभी एनसी लगाई होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। और बस एसिड एक बार ताली बजा दो सब लोग इनके लिए, क्योंकि सिंगल बार में इन्होंने यहाँ पर ये पूरा काम किया, और बहुत अच्छा लगा कि आपको ऐसे लोगों को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है जो बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ में पढ़े। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आप एक बार मिलन सर को भी दिखा दे, मिलन सर आइए, तो क्या बताना चाहेंगे नया बैच कब से है, और 3 मार्च से हमारा नया बैच है। हाँ आप आ सकते हैं, और यहाँ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि पेस्टेड आईसी कैसे निकाले, ब्लैक पेस्टेड होगी, और कैसे बनाए उसको, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड ईएनसी पावर आईसी, और ईएमसी प्रोग्राम कैसे करें, और शॉर्टिंग की कुछ ट्रिक बताएंगे बस। तो आप मिलन सर के लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग, क्योंकि ये एक हीरा है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा काम उन्होंने 4 दिन में, जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने बोला था कि आपको लगा था कि 10 दिन में काम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, है ना, हमें वो 25 दिन चाहिए, तो अभी आपको 4 दिन में कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल 4 दिन में देखिए डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहीं पर अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइटी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में,
मैं देखते ही रहता था, अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। तो सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो वो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ यही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड हो वाला है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकते हैं, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? सर इसका ईमेल से और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो कर पता हर चीज में लिख कर, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सुना पाते वो यहाँ गोल्डन की बैठक क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे हैं हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं गोल्डन की, मेरा दिल रो रहा है वहाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, सर ये भी मुझे ध्यान रखना बोलना है कैंडिडेट के लिए बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल लगा के आया तो सर जनता उनको सुना यहाँ पे सबसे बेटर ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है,
कुछ स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट को रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर के मतलब और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक होता था, वो करीब जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amazon 1001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.